हेलो फराज, कहाँ तक पहुंचा मामला? हाँ यार, ना तेरा शुक्र है। ठीक है ठीक है, आप घर आए तो बात होती है। क्या हुआ? जमानत हो गई है मुन्ने चाचा की। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा खैरियत से घर आ जाए। अब्बा मियाँ ने दूसरी पार्टी के घर जाके सुलहनामे पे साइन करवाए। अब्बा जी का एहसान का टोकरा हमारे सर चढ़ गया है। पहले शरीका नाचता फिरता है हमारे मुंडों पर। अरे तुम शुक्र क्यों नहीं करती कि तुम्हारा मियाँ घर आ रहा है? ये फायदा इतनी खेत डलवा कर वापस आने का। तौबा तौबा, मेरे लिए भी पानी ले आओ। दुआएं कर करके खुश्क हो गया गला मेरा। पापा जी को तुमने बुलाया? वो मियाँ बाप हूँ तुम्हारा, बाप की जरूरत तो जिंदगी भर रहती है। अलग बात है कि तुम मानो ना मानो। अब्बा मेरा ये मतलब नहीं था। यहाँ तुम्हारा जो भी मतलब हो, शुक्र करो कि मेरे सफेद बालों का लिहाज करके सुलहनामा पे दस्तखत कर दिए उन लोगों ने। और दूसरी बात यह है कि ज्यादती तो उसके साथ हुई है ना, अब उसका साथ देना तुम। जी शुक्रिया अब्बा, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका एहसान उतार दूं। यहाँ बाप का एहसान भी कोई उतार सके जिंदगी भर? हैं, तुम्हें समझ नहीं है तो अपने बच्चों से पूछ लो, तुमसे ज्यादा अकलमंद है वो। चलो भैया एहसान उतार देंगे। अपनी माँ की बातों का असर कम कर रही हो। आई एम सॉरी, मुझे पता है वो बाज़ दफ़ा बहुत रूड हो जाती है। ताल्लुक जितना गहरा हो ना, चोट भी उतनी ही गहरी लगती है।